जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की सीज फायर तोड़ने की गुस्ताखी फिर भारी पड़ी है। भारत ने जवाबी फायरिंग कर पाकिस्तान के कई बंकर तबाह कर दिए हैं। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कार्रवाई हुई है भारत की तरफ से? मनीष, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी विद्या, भारत ने क्या कार्रवाई की है? मनीष देखिए, आज सुबह सुबह पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल जो उरी का इलाका है वहां पर सीज फायर वायलेशन किया गया। पाकिस्तानी जो सेना है उन्होंने हमारी पोस्ट को टारगेट किया था, जो हमारी सेना है उस पोस्ट को, और उसके बाद रिटालिएशन फायर में काफी नुकसान देखने की खबर आ रही है पाकिस्तानी सेना की। जो अभी हमारे पास जानकारी आ रही है कि उनके कई बंकर्स जो पोस्ट के पास में है वो तबाह कर दिए गए हैं। कई आधिकारिक जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि 4 से 5 बंकर्स का नुकसान देखने को मिला है, लेकिन एग्जैक्ट किस तरीके से उनके नुकसान की खबर आ रही है अभी इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन जो असेसमेंट किया जा रहा है सिचुएशन को, उसके मुताबिक ये जरूर कहा जा रहा है कि इस फायरिंग में एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब मिला है और उन्हें काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। ये सीज फायर का लगातार पाकिस्तान उल्लंघन करता है, उसी का जवाब है मनीष? जी हाँ, पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी सेना सीज फायर वायलेशन कर रही है। कई बार आप जानते हैं कि आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए किया जाता है, हर बार जब भी वायलेशन कर रहे हैं उनको नुकसान भी काफी हो रहा है। इस वजह से उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है और बार बार वो इस सोच के फायरिंग करते हैं कि वो इस बार नुकसान करेंगे सेना का, लेकिन होता उल्टा है। और इस बार भी यही बात सामने आ रही है कि फिर से पाकिस्तानी सेना को काफी यहाँ नुकसान देखने को मिल रहा है। तो कितने वहां पे उनके बंकर तबाह हुए हैं या किस तरीके से सिचुएशन है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा सारी चीजों को सामने आने में, क्योंकि फायरिंग अभी थोड़ी देर पहले ही रुकी ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद तस्वीर साफ होगी। विद्या, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष शुक्ला इस पूरी जानकारी के लिए।